मैं सीधा जाता हूं, मेरे साथ एमएस बिट्टा है। एमएस बिट्टा, होल्ड लगी हुई है। कन्हैया कुमार को भगत सिंह कंपेयर कर दिया, उसको सब गलत कह रहे, वो ठीक नहीं है, लेकिन इतना भी गलत नहीं है। एंड व्हाट यू हैव टू से टू कॉमरेड दिनेश, मैं एक चीज बिल्कुल कहूं कि प्लीज प्लीज आप आगे से कभी भी मुझे दूर से मत बुलाइए। जब भी बुलाना है मुझे स्टूडियो में बुलाना, मैं ऐसे दूर से जवाब नहीं दे पाता हूं कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। पिछली बार आपकी डिबेट पे आया था तो क्या हुआ, पठान ने क्या कहा, हम जिंदाबाद के भारत माँ के नारे नहीं लगाएंगे। डिस्कशन कहाँ चली गई, कांग्रेस और बीजेपी में डिस्कशन शुरू हुई उसी में खत्म हो गई। उससे पहले क्या हुआ, अब ये क्या वकालत कर रहे हैं हमारे कुछ लीडर कि वो देशद्रोही नहीं है। हमें वकालत करने की जरूरत क्या है, जब अफजल की फोटो पकड़ करके नारे लग रहे थे। मैं मेरी किसी से जाति लड़ाई नहीं है, हमने भगत सिंह आज अपने हाथों को देखिए, आपके अगर इंसानियत है तो आपका खून लाल होगा और आपके वाल खड़े होंगे भगत सिंह जी के नाम के। अगर भगत सिंह एक वो शख्सियत है, हम अपनी लड़ाई में चले गए, हम क्लियर होके कहें भगत सिंह थे, वैसा कोई नहीं हो सकता, शशि थरूर ने गलत किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमें मिलके कहना चाहिए। अगर 23 मार्च को भगत सिंह को याद कर रहे हैं, अगर हमने अपनी डिस्कशन पे आना है, आपने वो किया, आप नहीं, मेरी एक मिनट बात, ओके ओके ओके, जफर इकबाल लेट हिम कंप्लीट, आई विल गिव यू अ फेयर चांस, यू हैव नॉट गॉट द चांस, आई विल गिव यू अ फेयर चांस जफर इकबाल, दैट इज माय प्रॉमिस। But let MS Bitta complete. Okay, your comment to Mr. Vashne, comrade Dinesh Vashne. Respond to him. What he said. मेरी बात सुनिए. मैंने वो वक्त देखा है जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा, भगत सिंह जी का शहीदी दिन मनाया, क्या बिट्टा जी काला पानी नौजवानों को लेके जाइए। मैंने कहा सर जल्दी ले जाऊंगा, कहते नहीं बेवकूफ आदमी, तुम्हें प्लेन में जाना पड़ेगा या शिप में जाना पड़ेगा। दो प्लेन लेके गया काला पानी जेल के अंदर, वहां की जब कुर्बानियां चाहते देखी, खून खौल उठा, आज भी वो खून अंदर हमारे गर्म है। मैं महसूस करता हूँ उस चीज को, हमारे राजनीतिक लोगों का वो पुराना खून कहाँ चला गया। बिट्टा साहब उसे काले पानी में तीन एएसएफ के लीडर थे जेल में, उसी काले पानी में तीन एएसएफ के लीडर थे जेल में। बिट्टा साहब अरे छोड़िए प्लीज, आप हमें इतिहास मत बताइए, मैं इतिहास का ही प्रोफेसर हूँ। अरे मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं आपसे आप समझिए इस बात, मुझे मेरा आपसे हाथ जोड़ का अनुरोध है कि इस बात को समझिए कि हम में से कोई कन्हैया की भगत सिंह से कंपैरिजन को सही नहीं कह रहा है। पर आप ये समझिए कि जो भगत सिंह जी कह रहे थे, जो शहीद भगत सिंह कह रहे थे, वही ये कह रहा है कन्हैया। फर्क इतना है कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बोल रहे हैं, भगत सिंह तो कह रहा था, वही कन्हैया कुमार कह रहा है, बिल्कुल वो कहता कि आपको सरकार उखाड़नी है देशद्रोह करवाकर, देश की जनता उखाड़े, देशद्रोह नहीं हो रहा है, देश की गरीबी के खिलाफ बोलना, देश की बेरोजगारी के खिलाफ बोलना, महंगाई के खिलाफ बोलना, डेफिनेशन हमें मत देखो, मैं उनसे पूछिए, इनकी वकालत, मैं इनसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं भगत सिंह जी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल सबसे बड़ा यह है, तस्वीरें देखी, सब कुछ देखा, पूरे चैनल में देखा, घर घर अफसल पैदा करेंगे, कश्मीर को आजादी लेके देंगे, कत्लेआम करेंगे, भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करेंगे, क्या भगत सिंह जी ने यह कहा था? भगत सिंह जी ने जब आपके भगत सिंह ने यह कहा था, बताइए, ओके वाश्रे साहब बताइए, देन अपोलोजाइज ऑन डिबेट भाई, बिल्कुल हाउ डेयर यू सेड दैट, यू कैन कंपेयर दिस थिंग, हाउ डेयर यू सेड दैट, पार्शियल, नो नो, डोंट बी पार्शियल, आई एम नॉट अ पार्शियल, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, डोंट टीच मी हिस्ट्री, ओके यू आर, ओके सर, लिसन टू मी, आई नो यू टेल मी भगत सिंह, आई नो हाउ डेयर यू सेड दैट, यू कैन कंपेयर भगत सिंह विद, आई एम नॉट कंपेयरिंग, नॉर वी डिफेंड द कंपैरिजन, हो सकता है मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, नॉर वी डिफेंड द कंपैरिजन, उनकी आइडियोलॉजी एक थी, कैसे आइडियोलॉजी एक, नो अमित शाह इन द वेरी बिगनिंग सेड वी डोंट डिफेंड दिस कंपैरिजन, बट एट द सेम टाइम रीड द स्टेटमेंट ऑफ भगत सिंह, आपको लगता है, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है शशि थरूर को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्या आपको लगता है शशि थरूर को देश से माफी मांगनी चाहिए, दैट इज देयर इंटरनल मैटर, व्हाट इज योर व्यू, यू हैव अ व्यू, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन कांग्रेस, आर यू अफ्रेड,
No, I'm not afraid of anybody. Didn't say it. Communist party has never been afraid of anybody. So, sir, bataiye na. I'm not afraid of anybody. Shashi Tharoor ko maafi mangni chahiye. No, that is their internal matter. He himself has clarified. Shashi Tharoor ko maafi mangni chahiye. Maafi nahi mangni chahiye. Mr. Tharoor has himself has clarified what he meant for. Par maafi mangni chahiye. Nahi maafi mangni chahiye. I will not comment. It is their internal matter. Okay. You don't want to comment?